बिल्कुल नग्नता परोसने वाला कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बिल्कुल भी नहीं है। राजधानी रायपुर का सायाजी होटल इन दिनों अपने कार्यक्रम को लेकर विवादों में घिरा हुआ है। होटल में बीते दिनों शहरवासियों के लिए 24 जून से 3 जुलाई तक के लिए बैटल फॉर बेली डांस नाम से एक आयोजन करवाया गया था। अब इस आयोजन को लेकर बजरंग दल ने जमकर विरोध किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन को लेकर पहले ही पुलिस और होटल प्रबंधन को चेतावनी दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी 2 दिनों तक कार्यक्रम चलता रहा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए शहर के अमीर घरानों के लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। इस कार्यक्रम में लोगों को अरेबियन फूड परोसा जा रहा था, इसके साथ ही बेली डांस के मजे भी लिए जा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल ने इसका विरोध किया, जिसके बाद आयोजकों को पूरा कार्यक्रम बंद करवाना पड़ा। देखिए, 24 तारीख से ये आयोजन होने वाला था, 23 तारीख को इस कार्यक्रम की जानकारी मिली कि सायाजी होटल में यूक्रेन और रशियन लड़कियों को बुला के वहाँ पे अश्लीलता जैसा कार्यक्रम है बेली डांस, उसका वो परोसा जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही हमारे कुछ कार्यकर्ता शनिवार के पहले तो इसकी जानकारी माइक टू सर को दी गई थी एक दिन पहले कि इस कार्यक्रम को तुरंत बंद कराया जाए, क्योंकि यह सभ्यता हमारे छत्तीसगढ़ की नहीं है बिल्कुल भी। इसकी जानकारी मिलते ही शनिवार के दिन हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके वहाँ पे देखा तो वह अश्लीलता वाला डांस बिल्कुल परोसा जा रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही संडे के दिन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ पे जाकर उस कार्यक्रम को बंद कराया और वहाँ के मैनेजर और उसके होटल मालिक से लिखित में लिया गया कि ऐसा कार्यक्रम भविष्य में, ये कार्यक्रम तो बंद होता ही है, भविष्य में भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल ऐसा कार्यक्रम, बिल्कुल नग्नता परोसने वाला कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे शराब का सेवन और लड़कियों को टेबल पे खड़े होकर नचवाया जा रहा था। इसको हमने वीडियो भी बनाया है इसका, और वीडियो को प्रशासन तक भी पहुँचाया और प्रशासन ने भी इसमें अपने को आगे घड़ के इस कार्यक्रम को बंद कराया। विरोध के बाद होटल प्रबंधन ने बजरंग दल को लिखित में कहा है कि सायाजी होटल मैनेजमेंट ने निर्णय लिया है, हम बेली डांस बंद करा रहे हैं और भविष्य में ऐसा कोई आयोजन नहीं करेंगे।